आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। बदलते या भारत की बुलंद तस्वीर का दीदार, तो 74वां गणतंत्र दिवस राजधानी में कर्तव्य पथ पर देश की सैन्य शक्ति के साथ आत्मनिर्भरता की झलक दिखी। 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को कर्तव्य पथ पर बदलते भारत की बुलंद तस्वीर का दीदार दुनिया ने किया। इस दौरान देश की सैन्य ताकत के साथ ही सांस्कृतिक धरोहर की अद्भुत झलक देखने को मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गणमान्य हस्तियों ने भव्य परेड देखी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी समारोह में मुख्य अतिथि रहे। आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखी, तो धुंध के बीच कम दिशा में भी 50 युद्धक विमानों ने कर्तव्य दिखाए। परेड में भारतीय सैन्य उपकरणों में मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत की प्रमुखता रही। मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, नाग मिसाइल प्रणाली, K9 ब्रज प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। आकाश मिसाइल प्रणाली के प्रदर्शन की अगुवाई लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने की। अत्याधुनिक हथियारों, मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और भारतीय सैनिकों के दस्तों ने किसी भी चुनौती से निपट सकने की देश की ताकत का एहसास कराया। परेड में एक प्रमुख आकर्षण सीमा सुरक्षा बलों का ऊंट दस्ता रहा। कर्तव्य पथ पर ऊंट दस्ते को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह देखा गया। 23 झांकियों का प्रदर्शन, तो परेड में 17 राज्यों के शासित प्रदेश और मंत्रालय की 23 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इनमें यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख की झांकियां शामिल थी। सशक्तिकरण सेनाओं में नारी शक्ति का नेतृत्व, तो गणतंत्र दिवस की परेड में नौ सेना के 144 दस्ते का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत ने किया। वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाडन लीडर सिंधु रेड्डी ने संभाली। बीएसएफ का पहला महिला ऊंट दस्ता भी आकर्षण का केंद्र रहा। सहूलियत क्षेत्रीय भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, तो सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रीय भाषाओं में अनुदित 1731 फैसलों को ऑनलाइन कर दिया। अब तक ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी में ही आते थे। दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च, तो भारत में निर्मित नाक के जरिए दिए जाने वाली दुनिया के पहले टीके को गणतंत्र दिवस पर लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत बायोटेक की वैक्सीन इनको वैक को लॉन्च किया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों पर हमले से भारत नाराज, तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ पर गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। साथ ही इन घटनाओं को अंजाम देने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 को खुलेंगे, तो बद्री केदार मंदिर समिति ने गुरुवार को पुष्टि की कि श्री बद्रीनाथ धाम के पवित्र कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि गाड़ू घड़ा कलश यात्रा तेल का घड़ा 12 अप्रैल से शुरू होगी। कपाट 27 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे खोले जाएंगे। बद्री केदार मंदिर समिति ने कहा कि नरेंद्र नगर के शाही दरबार में मनाई जाने वाली बसंत पंचमी के अवसर पर कपाट खोलने की तारीख कैलेंडर का अध्ययन करने के बाद यह तय हुआ है। पहली बार परेड में स्वदेशी तोपों ने सलामी दी, तो गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान गुरुवार को पहली बार स्वदेशी तोपों से सलामी दी गई। पहले परंपरागत रूप से 21 तोपों की सलामी 25 पाउंडर तोपों से दी जाती थी, जिनकी जगह 105 mm की स्वदेशी फील्ड तोपों का इस्तेमाल किया गया। यह भी पहली बार तो नौसेना के मार्चिंग दल में 9 अग्निवीर शामिल किए गए। मिस्र के सशस्त्र बलों के दस्ते संगीत बैंड ने हिस्सा लिया। झांकी में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का जश्न मनाते बाजरा की रंगोली का प्रदर्शन किया गया। परेड में 3 परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र पुरस्कार दिए गए। वहीं राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू ने पहली परेड हुई। सेंट्रल विस्टा कर्तव्य पथ नए संसद भवन के निर्माण में शामिल श्रम योगियों के एक समूह रेडी पटरी वालों को आमंत्रित किया गया। दिल्ली पुलिस का महिला पुलिस बैंड परेड में शामिल हुआ।
गणतंत्र दिवस पर चढ़ा बसंत पंचमी का रंग। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर हर कोई देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आया। लोकतंत्र की मजबूत करने के लिए लोगों ने संकल्प लिया। खास बात यह रही कि गणतंत्र दिवस पर बसंत पंचमी का रंग चढ़ा नजर आया। पीले वस्त्रों में लोगों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। 7वीं की छात्रा से छात्रा को कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया। रील बनाने के लिए युवा पिस्तौल से खेल रहे तो रील के चक्कर में युवा कानून भी अपने हाथ में लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब दलित प्रेरणा स्थल में एक युवती और चार युवकों का नाचने का वीडियो वायरल हुआ है। युवती के हाथ में पिस्तौल है जो खिलौना नुमा लग रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कर्तव्य पद पर सजी समृद्ध संस्कृति का विरासत। तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पद पर गुरुवार को केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और त्रिपुरा की झांकियों में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की झलक प्रमुखता से दिखी। केरल ने नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण की लोक परंपराओं की झांकी के जरिए प्रस्तुत किया। जम्मू एवं जम्मू कश्मीर की झांकी में नया जम्मू एवं कश्मीर के बनने और प्राचीन अमरनाथ गुफा मंदिर को दिखाया गया। उत्तराखंड देवभूमि की झांकी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के साथ ही जागेश्वर धाम को दिखाया गया। मिस्र के राष्ट्रपति पहली बार शामिल। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी गुरुवार को दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने भारत का गणतंत्र दिवस समारोह देखा है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमुख अतिथि रहे। उन्होंने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनेक नेताओं के साथ कर्तव्य पथ पर परेड देखी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए अल सीसी का आभार जताया। यह पहला अवसर है जब मिस्र के किसी राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया है। कोरोना महामारी कारण वर्ष 2021 और 22 में गणतंत्र दिवस समारोह पर कोई मुख्य अतिथि नहीं थे। कर्तव्य पथ पर जय हिंद। तो गणतंत्र दिवस की परेड में दुनिया में दिखी स्वदेशी सैन्य शक्ति। विश्व की पहली नेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च। तो गणतंत्र दिवस पर भारत में विश्व की पहली नेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च हो गई। भारत बायोटेक की इनको वैक नामक इस वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। आतंकी संगठनों और आतंकवादियों को शरण देना बंद करें सभी देश। तो भारत व मिस्र का संयुक्त बयान, हर देश सीमा पार आतंकवाद रोकने को भी उठाए कदम। 20 रुपए में गरीबों का इलाज करने वाले डॉक्टर मुनीश्वर को पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कारों के लिए कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा व सामाजिक कार्य के क्षेत्र में काम कर रहे नागरिकों को चुना गया। पुरस्कार पाने वालों में से कई गुमनाम नायक हैं जो चुपचाप समाज और लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद से सम्मानित कर रही है। इस बार ऐसे गुमनाम लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते होंगे। वही खबर रही है पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर हादसे का शिकार हुई एक कार, 2 लोगों की मौत, चालक समेत 2 घायल। सतपुली से पौड़ी आ रही एक कार पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर जखेटी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया है। नायब तहसीलदार पौड़ी हरेंद्र खत्री ने बताया कि विपिन भट्ट नाजिर तहसील सतपुली व कुलदीप बिष्ट जिलाधिकारी कार्यालय पौड़ी के कर्मचारी की दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि आशीष नेगी व कृष्णा बिष्ट दुर्घटना में घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया गया है। दोनों कार्मिक तहसील सतपुली में सेवारत हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव बोले, बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान, पीओके और सिंध का भारत में होगा विलय। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तान, पीओके और सिंध क्षेत्र का बहुत जल्द भारत में विलय होगा और पाकिस्तान अदना सा देश रह जाएगा। देहरादून के परेड मैदान में कार्यक्रम में सुरक्षा में चूक, सुरक्षा घेरा तोड़, मंच पर पहुंची भीड़। 14वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा में चूक सामने आई। परिस्थितियों के दौरान
सुरक्षा घेरा तोड़कर सैकड़ों लोग मंच के पास पहुंच गए। लोग बैरिकेडिंग लांग कर निकाली जा रही झांकी के ट्रैक तक पहुंचे। इस दौरान भीड़ देखकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसएसपी दलीप सिंह को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास और भाजपा कार्यालय में फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है। जन भागीदारी एवं जन सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। सीएम धामी ने ऋषभ पंत के मददगारों को किया सम्मानित, दी 1-1 लाख की सम्मान राशि। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़क हादसे में घायल भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सहायता करने वाले हरियाणा रोडवेज के चालक सुशील कुमार और परिचालक परमजीत को सम्मानित किया। यह सम्मान सुशील कुमार की पत्नी व परमजीत के पिता ने ग्रहण किया। मुख्यमंत्री धामी की घोषणा पर दोनों चालकों व परिचालकों को 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान की गई। क्रिकेटर ऋषभ पंत की सड़क हादसे के दौरान सहायता करने वाले दो अन्य युवकों निशु एवं रजत को भी सम्मानित किया गया। चीन और नेपाल सीमा पर शान से फहराया तिरंगा, जवानों ने एक दूसरे को दी बधाई। उत्तराखंड में चीन और नेपाल सीमा पर भी जवानों ने गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। जवानों ने तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान 11वीं वाणी सशस्त्र सीमा बल डीडीहाट के अधिकारियों और कर्मिकों ने तिरंगा फहराया। वहीं कमांडेंट ने वाहिनी के सभी अधिकारियों व कर्मिकों और उनके परिजनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी में दिखी लोक कला की छाप, अपर्ण से रूबरू हुआ पूरा देश। उत्तराखंड की झांकी में कॉर्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए बारहसिंगा घुरल हिरन के अलावा अल्मोड़ा का जागेश्वर मंदिर समूह दिखाया गया। अपर्ण गल के नाम से मशहूर रामनगर निवासी मीनाक्षी खाती के निर्देशन में मंदिर के किनारों को अपर्ण की बेलों से सजाया गया था। 16 लाख घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर, ऐसे रुकेगी बिजली चोरी, पुराने केबल भी बदले जाएंगे। दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार शामिल हुए। उन्होंने राज्य की ओर से सभी जरूरी मानकों को पूरा करने के लिए विस्तार से जानकारी दी। उत्तराखंड में अति शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग आज से शुरू होने जा रही है, तो इस क्रम में आज जो है सबसे पहले रुद्रप्रयाग जिले की काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएगी। तो इसमें अंग्रेजी, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सभी की जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रवक्ता सूची के आधार पर जिन अभ्यर्थियों का को जनपद रुद्रप्रयाग आवंटित किया गया है वे दिनांक 27 जनवरी यानी आज एवं 28 जनवरी 2023 को अपने मूल अभिलेखों के सत्यापन हेतु अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति सहित कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग में ठीक 11 बजे पहुंचना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि आपसी समन्वय बैठाते हुए जारी सूची जनपद मंडल से बाहर किसी अभ्यर्थी से आपसी संपर्क हो तो उसे भी उक्त तिथि हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें। तो आज और कल जो है रुद्रप्रयाग में अति शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग होगी, इसके लिए आज 11 बजे पहुंचना है। बात करें जॉब अपडेट को लेकर के तो PSPCLI में 400 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 783 एक्सटेंशन ऑफिसर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। SSC में 11,400 से ज़्यादा MTS और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अलग अलग मान्यता रखी गई है। इसमें 10वीं पास एवं उसके समकक्ष योग्यता वालों के लिए भी भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 17 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राजस्थान गृह रक्षा विभाग में 3,800 से ज़्यादा होम गार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी के अवकाश की वजह से उत्तराखंड के एडिशन का न्यूज़पेपर नहीं छपा है, लेकिन फिर भी जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम यहाँ पर लेकर आए हैं।
डीडी हार्ट विधायक बिशन सिंह चुफाल को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां फोन पर किसी ने बीजेपी के वर्तमान विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को जान से मारने की धमकी दी है। इसके अलावा आरोपी ने SMS कर बिशन सिंह चुफाल को कहा कि वो उसे गाजर मूली की तरह काट देगा। एक्सीडेंट, तेज रफ्तार बाइक बिजली के खंभे से टकराई, एक की मौत। तो लक्सर में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर के एक विद्युत खंभे से टकरा गई। हादसे में दो बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पुलिस ने अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मकान के साथ सपनों में भी पड़ी दरार, कुंवर परिवार ने मंदिर से की बेटे की शादी। तो जोशीमठ में भूदत्ताव की घटना के बाद लोगों के मकान ही नहीं टूटे, बल्कि कई लोगों के सपने भी टूटे हैं। जोशीमठ का कुंवर परिवार इन्हीं में से एक है। कुंवर परिवार की चाहत थी कि वे अपने बेटे की शादी अपने घर से करें, मगर भूदत्ताव की घटना के बाद से ही ये परिवार राहत शिविर में रह रहा है। 26 जनवरी को कुंवर परिवार ने बेटे की शादी पैनी गाँव के गढ़ी भवानी मंदिर से की है। लंबे समय से फरार इनामी ठग आया पुलिस के हाथ, पुलिस के साइबर सिस्टम को दे रहा था चकमा। नौकरी के नाम पर युवक से ठगी करने वाले साथी ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी साइबर सिस्टम में माहिर था, इसलिए पुलिस उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वो लंबे समय से बचा रहा। हरिद्वार से खबर है, खुली हवा में सांस लेंगे 9 कैदी, गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल से हुई रिहाई। तो हरिद्वार जिला जेल में बंद 9 कैदियों के लिए 26 जनवरी का दिन काफ़ी खास रहा, क्योंकि सजा माफी के बाद इन 9 कैदियों की जेल से रिहाई हुई। अब ये सभी कैदी खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इन कैदियों ने यहां करीब 20 साल की सजा काटी। विजय रथ जारी रखने उतरेगा भारत। तो वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करके आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार से शुरू हो रही तीन T20 मैचों की सीरीज में अपना विजय अभियान जारी रखने के लिए उतरेगी। इस साल वनडे विश्व कप होना है, ऐसे में भारतीय टीम को वनडे मैच अधिक खेलने हैं। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज से अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए अपनी शुरुआती तैयारी को पुख्ता अंजाम देने की कोशिश करेगी। मनिका बत्रा सर्वश्रेष्ठ 33वीं रैंकिंग पर। तो भारत की स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व टेबल टेनिस महासंघ की ताज़ा विश्व रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 23वें स्थान पर पहुँच गई हैं। भारत ने जापान को रौंदा, अब दक्षिण अफ्रीका से होगी भिड़ंत। तो मेजबान भारत ने गुरुवार को पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के क्लासिफिकेशन मैच में जापान को 8-0 से रौंद दिया। भारत ने जापान को 27वीं बार हराया है। बाबर बने वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर और सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के पुरस्कार के लिए चुना गया है। यूक्रेन में मिसाइल हमले में 11 मरे। स्पेन में चर्च पर हमला, पादरी की मौत हो गई। दावा, शराब पीने और इंटरनेट की बढ़ती लत के लिए जीन जिम्मेदार। तो तमाम तरह के नशे की लत का 32 प्रकार के जीन से होता है सीधा संबंध। इसरो स्पेस शटल पर सफल लैंडिंग का परीक्षण करेगा। तो इसरो शनिवार को रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की जमीन पर लैंडिंग का परीक्षण करेगा। इसके बाद इसे सभी चरणों के लिए तैयार माना जाएगा। पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरा क्षुद्र ग्रह। तो ट्रक के आकार का एक क्षुद्र ग्रह गुरुवार को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरा। 4 वैज्ञानिकों को इंसा अवार्ड मिला। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के 4 वैज्ञानिकों को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से नवाजा गया। दुनिया के सबसे तेज हाइड्रोजन ट्रेन चीन में 160 की रफ्तार से दौड़ी। तो चीन में दुनिया की सबसे तेज चलने वाली हाइड्रोजन ट्रेन की बुधवार को शुरुआत हो गई। यह 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ी। चीन की सरकारी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन ने इसे तैयार किया है। गूगल ने डूडल बनाकर दी गणतंत्र दिवस की बधाई। तो 14वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुवार को गूगल ने एक शानदार डूडल बनाकर देशवासियों को बधाई दी। इस गूगल डूडल में एक पेपर आर्टवर्क नज़र आ रहा है।